सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को भी लेटेस्ट टेक्निकल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में कि वीपीएन क्या है, वीपीएन किस तरीके से वर्क करता है और वीपीएन के द्वारा आप अपने आप को अपने पर्सनल डिटेल को कैसे सिक्योर रख सकते हैं और जो है वीपीएन के द्वारा आप जो है उस वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं जो वेबसाइट की भारत में बैन हो। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे और वीपीएन के बारे में पूरा जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं वीपीएन के बारे में। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कि आपके पब्लिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट और जो है आपके प्राइवेट नेटवर्क वाईफाई को आप जो है इसके द्वारा सिक्योर रख सकते हैं। जब आप वीपीएन के साथ किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपका जो पर्सनल डिटेल है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो सिक्योर रहता है क्योंकि आप जो है किसी भी वेबसाइट को जब आप वीपीएन के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट को अपने फ़ोन से डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर रहे होते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको अपने पर्सनल डिटेल को शेयर करने होते हैं और आप अपनी पर्सनल डिटेल को उस वेबसाइट पर डालते हैं। ऐसे में ये होता है कि आपका कोई भी थर्ड पर्सन जो कि हैकर्स होते हैं या स्नेकर्स होते हैं वो आपके उन पर्सनल डिटेल को चुरा सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए जो है आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं क्योंकि वीपीएन जो है आपके पर्सनल डाटा को डायरेक्टली आपके फ़ोन से एक्सेस नहीं होने देता है। ये जो है आप जब किसी वेबसाइट को वीपीएन के साथ कनेक्ट जब आप वीपीएन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपका फ़ोन डायरेक्टली उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं करता है बल्कि आपका फ़ोन जो है उसे वीपीएन के सर्वर पर ट्रांसफ़र करता है और वीपीएन जो है उस वेबसाइट पर ट्रांसफ़र करता है और वहाँ से आपको डाटा वीपीएन के जरिए आपके फ़ोन पर एक्सेस होता है। तो इस तरीके से जो है आपके फ़ोन का कोई भी डाटा किसी थर्ड पर्सन के साथ बीच में किसी भी थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं हो पाता है। जब आप वीपीएन पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वह एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है जिसे कि और कोई नहीं पढ़ सकता है। तो और जैसे ही वो डाटा वीपीएन के पास जाता है वीपीएन उसे रीड करके आपके आप जो भी उस पर सर्च करते हैं आपके फ़ोन में वो आपको दिखाता है। वीपीएन का यूज करके आप उन वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि वेबसाइट भारत में बैन है। जैसे कि अगर कोई भी वेबसाइट जो कि भारत में बैन है और वो किसी अन्य देश में जैसे कि यूके में वो वेबसाइट लीगल है और वहाँ पे वो वेबसाइट ओपन हो रहा है तो आप वीपीएन के जरिए यूके के सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद जब उस वेबसाइट को आप एक्सेस करेंगे तो वो जो है आपके आपको यूके के सर्वर से कनेक्ट होकर आपके फ़ोन में वो वेबसाइट ओपन होगा और इस तरह से जो है आप अपने फ़ोन में जो है वो वेबसाइट भी एक्सेस कर पाएंगे वीपीएन की मदद से जो भी की वेबसाइट आपके जो की वेबसाइट भारत में बैन। ये जो है कंप्यूटर और मोबाइल दोनों के लिए वीपीएन का सॉफ्टवेयर या ऐप आता है जिसका यूज करके जो है आप अपने फ़ोन में वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ़ोन के लिए बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ पेड और फ्री वीपीएन सर्वर भी मिल जाते हैं। फ्री सर्वर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक फ्री वीपीएन सर्वर मिलता है जिसका नाम है टर्बो वीपीएन। तो अगर आप अपने फ़ोन में वीपीएन का यूज करना चाहते हैं तो आप जो है सिंपली गूगल प्ले स्टोर से टर्बो वीपीएन को सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और जो है आप अपने वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट होकर किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं जो कि यहाँ पे बैन है या आप अपने फ़ोन के सभी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए जो है वीपीएन का यूज कर सकते हैं जिससे कि आप अपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रख पाएंगे। तो वीपीएन के बारे में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।